सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में सो so, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दो दिन बाद से आपके दो तीन दिन बाद यानी कि इकतीस तारीख से आपका एग्ज़ाम जो एफ का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों तीन या चार दिन रह गए हैं बस और जिन लोगों का तीन तारीख को तो उनके मान लीजिए आप छः सात दिन रह गए हैं आप लोगों ने दोस्तों आई होप सभी तैयारी कर ली होगी कई लोगों का जो टेक आ, साइको का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे कई लोग जई का एग्जाम भी दे रहे हैं जिन्होंने एफ का फॉर्म भरा है तो रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी तो उसी के साथ चली हुई दोस्तों मगर इंग्लिश भी आने वाली है इधर तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज आप चार से पाँच दिन में किस तरह से इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि आपका जो साठ मिनट में दोस्तों सौ क्वेश्चन जो पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली चीज़ है तो इम्पॉसिबल चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाए किस तरह से आप साठ मिनट में सौ क्वेश्चन कर पाएंगे वो बेस्ट ट्रिक मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ मतलब कि आप कितना ज़्यादा सेफ से सेफ स्कोर कर सकें कि आपका जो सी बी टी वन है वो क्वालिफाई हो जाए और आप अपने नेक्स्ट राउंड के लिए जो है क्वालीफाई कर सकें तो आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं तो बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पहलुओं को देख लेते हैं सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके जो सिलेबस में सीबीटी वन में मैक्स आने वाला है रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्न आने वाले हैं ठीक है तो यहाँ मैक्स के पैंतीस रीजनिंग के पैंतीस और इंग्लिश के तीस क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल मिला के सौ क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको समय दिया जाने वाला है सिर्फ साठ मिनट का आई यानी कि बैंक के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो आपके बैंक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है दोस्तों तो काफ़ी क्वेश्चन का लेवल हो सकता है अच्छा मगर बेस्ट चीज़ है कि आपको ट्रिक जो जाननी है दोस्तों कि अगर मान लीजिए साठ क्वेश्चन आपके पास हैं टोटल आपके पास में सौ क्वेश्चन है दोस्तों और साठ मिनट का समय दिया जा रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट चालीस सेकंड के लगभग समय है तो अब आप देख लीजिए कि आप कितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं और क्वेश्चन का लेवल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा दोस्तों अगर आप लोगों को मेथड आता है फंड आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाले हैं तो आप निश्चिंत रहिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे कि जितना आप कर सके अब बात है कि आप कोशिश करेंगे कि मैं साठ मिनट में सौ में से सौ प्रश्न करके आऊँगा मैं तो सारे क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ दोस्तों सी बी टी वन है कट ऑफ जारी होगी यहाँ सिर्फ क्वालिफाई नेचर की कट ऑफ भी हो सकती है जैसे कि जनरल के लिए मान लीजिए अगर 35 से 40 परसेंट ओ के लिए 30 परसेंट एस टी के लिए 25 जो भी हो सकता है तो वहाँ एक पूरा का एक क्राइटेरिया रखा गया इस वीडियो में कट ऑफ रहेगी तो यानी कि आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं सेवेंटी एट्टी परसेंट तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं और आपका क्या पता है सेवेंटी एट्टी परसेंट के चक्कर में आप चालीस परसेंट भी ना ला पाएँ तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि, कि किस तरह से आप मैक्स रीजनिंग और इंग्लिश में गुड अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे ला नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है सबसे बड़ी बात है भले ही एग्जाम आई बी पी एस कंडक्ट करवा रही है मगर बैंक की तरह यहाँ पर सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है सभी लोगों सभी चीज़ की एक ही कट ऑफ निकलेगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पास होना जरूरी है यहाँ पास होना जरूरी है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है मगर फिर भी अगर आप सभी के क्वेश्चन बराबर करेंगे तभी आप क्वेश्चन आ पाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों चलिए नेक्स्ट आपको यह बता दूँ कि किस में कितने क्वेश्चन करें मैक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है कम से कम भी बताऊँगा अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप पच्चीस क्वेश्चन करने की कोशिश करें रीजनिंग में अट्ठाइस क्वेश्चन और इंग्लिश में बीस अब बात यह कि अगर मान लीजिए आपको मैक्स के सारे क्वेश्चन आ रहे हों और आप कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं आप पैंतीस के पैंतीस कीजिए अगर मान लम समय लग रहा है कम समय में आप अगर रीजनिंग के भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो रीजनिंग के कीजिए कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश के करें मगर यदि आपको क्वेश्चन पढ़ी आता है आपको लगता है कि मैं आधे मिनट में ही क्वेश्चन कर सकता हूँ तभी आप वो क्वेश्चन कीजिए और 25 तक कीजिए वर्न आप छोड़ दीजिए आप देख लीजिए अगर आपके 25 क्वेश्चन हो गए तुरंत आ जाइए रीजनिंग पे अब रीजनिंग के वही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए आधे मिनट से आधा समय नहीं देना और आपको अट्ठाइस क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है दोस्तों देख के भी हम आंसर टिक कर सकते हैं बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आप ज़्यादा नहीं क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको रूल आता है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर दे देंगे और रूल नहीं आता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे बात है दोस्तों मैथ्स के कई क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि आधा मिनट तो आपको तीस सेकेंड तो आपको समझने में लग जाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिन लोगों की एवरेज तैयारी है वो लोग विशेष ध्यान रखें अब आप देख लिए अगर आप इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप कुल मिला के सेवेंटी थ्री क्वेश्चन कर लेंगे हंड्रेड में से जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है अब मान लीजिए अगर आप ती इसमें तीनों में पच्चीस पच्चीस बीस बीस क्वेश्चन भी करते हैं तब भी आप साठ क्वेश्चन करने हैं मगर यदि वो बीस के बीस क्वेश्चन सही हैं तो आप साठ नंबर लेके आ रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है और आप डेफिनेटली साठ नंबर लाने वाला बंदा क्वालिफाई कर जाएगा सी बी टी वन को तो आप, आप देख सकते हैं कि आप ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं कि नहीं मैं तो भैया फर्स्ट आऊँगा सबसे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा तो यहाँ आपको नंबर लाने की जरूरत नहीं है आपका जो सी बी टी टू होगा टेक्निकल वाला और उसके बाद जो साइको वगैरह का एग्जाम रखे गए हैं स्किल टेस्ट उसमें आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ यहाँ इतनी ज़्यादा नीड नहीं अभी तो इसके लिए आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके मिनिमम क्वेश्चन करें मगर जितने भी क्वेश्चन करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो और आपका सी बी टी वन आराम से क्लियर हो जाए इसके बाद अच्छे से आप सी बी टी टू की तैयारी कर लीजिए क्योंकि यहाँ कई बच्चों का रेलवे की वजह से जो जेई का पेपर का उसकी वजह से तैयारी में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है और साइको का भी एग्जाम था कई बच्चों का तो उसी हिसाब से आप लोग अपना एग्जाम में क्वेश्चन करके आता आपके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा गुड अटैम्प्ट करें सही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें गलत क्वेश्चन करने के बजाय सो आप दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय